देखो नोजी नोजी ये सबूत है, नाक देखो कितनी बह रही है। और मैं सोच रही हूँ भेज दूँ, फिर मैंने सोचा एक दिन का रेस्ट करा लेती हूँ। सदी को सुला दिया है, अभी थोड़ा आराम से सोई, उसको दवाई भी दे दी। खीर बन जाती है तो फिर समा के चावल की खिचड़ी नहीं बनती, कूटू के चावल की खिचड़ी बन जाती है क्योंकि मैंग को अच्छी लगती है। आज सुबह से हल्ला हो रहा था कॉरिडोर में, बहुत जोर से मशीन चल रही थी, मैंग की कॉल वॉल चल रही थी, तो उसके बाद में वहाँ पे इतना हल्ला होने लगा। हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे जी, थैंक यू माय प्रिंसेस। तो अभी उसका मूड एकदम ऐसा हो रहा है, नाक वाक बह रही है और बहुत ठंड लगती है ना जब बहुत बार बार भाभी को स्कूल नहीं भेजा है, पीछे से आवाज आपको सुनी रहे होगी। इतना ज्यादा एकदम से वैक्यूम, दो मिनट का ये यही वाला जो पीछे वाला है। फैमिली वेलकम बैक टू माई चैनल, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आज यहाँ पर है नवरात्रि का पांचवा दिन, जैसे कि आपको पता है 5 दिन से लगातार फास्ट चल रहा है और ये सप्तमी तक रहेगा, अष्टमी को पूजन होगा। तो अभी तक तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है कि बहुत ज़्यादा मतलब लग रहा हो कि खाना है, प्यास लग रही है, कुछ खाओ। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, सच बता रही हूँ, मुझ पर रहा नहीं जाता है बिल्कुल भी। मतलब व्रत तो ठीक है, जैसे करवा चौथ, तीज और ये सब बड़े बड़े जो आते हैं, वैसे मैं आपको बाद में बताऊंगी ये चीज़। मैंने सामने मैच देखा अभी, फ्री हिट यार, इतना इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है बांग्लादेश और इंडिया का। अभी उसे फ्री हिट मिली थी, विराट कोहली ने एक चौका लगाया, फिर से वो जो बॉल डाली वो फ्री हिट है, तो मैं एकदम से देखने लगी तुरंत मैच में क्या हाल चल रहा है। वाह, मोर फ्री हिट, और ये दिया घुमा के और पहुंचा दी स्टैंड्स में। वाओ, इट्स अ सिक्स, दो खाली बॉल मिली थी, दो फ्री हिट, मजा आ गया। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मैं इतनी ज्यादा फूडी हूँ कि मुझे उठते साथ ही सबसे पहले चाय के साथ में बिस्किट चाहिए रहते हैं, फिर उसका नाश्ता बनाती हूँ, फिर उसका खाना चाहिए, और चलते फिरते जो मैं खा लेती हूँ, चाहे वो नमकीन हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे फ्रूट्स हो, वो तो मेरा चलते फिरते चलता रहता है। लेकिन सच बता रही हूँ, जब से ये नवरात्रि स्टार्ट हुई 1% भी मन नहीं किया कि मैं कुछ खा लूँ, या मेरे को भूख लग रही है, बहुत क्रेविंग हो रही है, कुछ भी खाना देख के मन करने लग गया, या मैं कुछ इन लोगों के लिए अच्छा बना रही हूँ जो कि मेरा फेवरेट है, जैसे कि पोहा और जवे वगैरह वो बना रही हूँ, तो कभी ऐसा लगा हो यार बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, खा लेती हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी तक तो 4 दिन माता रानी की कृपा से अच्छे से निकल गए हैं और आज है 5वें दिन का फास्ट, और मैं अभी आज सदी को स्कूल नहीं भेजा है, पीछे से आवाज आपको सुनी रहे होगी क्योंकि आज उसको सर्दी हो गई थी बहुत ज्यादा, कल रात से उसको सर्दी लग रही है। सदी से हाय हाय, एक बार देखो नोजी ये सबूत है, नाक देखो कितनी बह रही है। और मैं सोच रही हूँ भेज दूँ, फिर मैंने सोचा एक दिन का रेस्ट करा लेती हूँ क्योंकि बाहर बच्चे खेलते हैं, हवा में बच्चों के कॉन्टेक्ट में आते हैं, फिर वो सर्दी बढ़ेगी, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए एक दिन रेस्ट कर रही थी, आज उसको इसलिए नहीं भेजा। हैप्पी बर्थडे जी, थैंक यू माय प्रिंसेस, मेरा बर्थडे मनाती रहती है, जब भी उसका हैप्पी बर्थडे बोलना होता है तो सब सिर्फ और सिर्फ मम्मा याद आती है और कुछ नहीं, अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर रहा, मम्मा का बर्थडे। तो मैं अभी नाश्ता बनाने के लिए जा रही हूँ और उसके लिए जवे बनाऊंगी। अभी देखा कितना ज़्यादा एकदम से वैक्यूम, 2 मिनट का ये यही वाला जो पीछे वाला है ड्रायर, इस वाले में बहुत ज़्यादा रुए से, जैसे कुछ भी वूलन वगैरह ड्राई करो तो उसके, वैसे तो मैं इसको यूज़ ही नहीं करती हूँ, घर में ऐसे ही ड्राई कर लेती हूँ कपड़े, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है एकदम रुए से, तो उसको वैक्यूम करना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो वही आए थे शायद, मुझे आज सुबह से हल्ला हो रहा था कॉरिडोर में, बहुत ज़ोर से मशीन चल रही थी और मैंग की कॉल वॉल चल रही थी, तो उसके बाद में वहाँ पे इतना हल्ला होने लगा, ऑल ऑफ सडन ये निकल के आए और देख रहे हैं कि क्या आवाज़ आ रही है। फिर देखा यहाँ का भी वेंटिलेटर क्लियर हुआ, यहाँ का जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है किचन में वो, फिर बाथरूम वाला एग्जॉस्ट है जो, वो भी क्लियर हुआ है, सारा कुछ साफ हुआ है आज। तो वही काम करते करते मेरे को टाइम हो गया, आज की पूजा हो चुकी है माता रानी की और आज थोड़ा सा लेट हो गया है, और इसकी ना ये देखो ये यहाँ पे बजाते बजाते ना एकदम घंटी भी वो हो गई, घंटी अब मुझे इंडिया से जाना है, ये देख यहाँ बीच में से इसका ये निकल चुका है, इसको फिक्स करने का ट्राई करूँगी, पता नहीं कैसे हो जाएगा, ट्राई करती हूँ कुछ ना कुछ बांधने, मुझे लगता है एक छोटी वाली घंटी मैं को वैसे भी इंडिया जाऊँगी तो लेके आऊँगी क्योंकि चाहिए थोड़ा सा ये वाली ना, या तो इसको सही कराऊँगी क्योंकि बीच में एक बार और हुई थी तो सही कराने का ट्राई किया था लेकिन फिर निकल गई है। ये देखो बन चुका है,
और ये दलिया मस्त बना दिया, इसमें सब्जी वगैरह भी डाल दी। आश्वरी की तबीयत थोड़ी सी ढीली थी तो मैंने सोचा थोड़ा दलिया ही बना देती हूँ, दाल डाल के थोड़ी सब्जी डाल के। रोटी वगैरह खाएगी नहीं खाएगी क्या करते हैं, और फिर सोचा हल्का सा ही कुछ बना देती हूँ, थोड़ा वो निगलने में उसको ईजी होगा, इसलिए मैंने दलिया बना दिया। मैं भोग लगाने जा रही हूँ और सदी को खिलाऊंगी, उसके बाद सुला दूंगी उसे दवाई देके। थोड़ा सा जैसे थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है उसके बाद में, जैसे रहता है ना बच्चों को अजीब अजीब सा, ऐसा सा फील हो रहा है उसको। तो बैठी हुई है, कहीं ना आवाज़ आ रही ना हल्ला कर रही ना कुछ, बैठी है, कभी टीवी देख रही है, कभी कुछ थोड़ा बहुत खाने को दे दो तो खा ले रही है। सुबह मैंने जवे बनाए थे नाश्ते में, और वो नाश्ते में जवे उसको अच्छे लगे, नूडल नूडल करते हुए उसने थोड़ा सा खा लिया, इसीलिए उसकी फेवरेट चीज़ बनाई ताकि उसके थोड़ा सा ना मूड में थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाए, मूड थोड़ा अच्छा हो जाए उसका। हुआ मैं यार वे भूले आए संसार वे, चले आ हर शोर वे, चले आ हर शोर वे। हुआ मैं यार वे भूले आए संसार वे, चले आ हर शोर वे, चले आ तेरा जोर वे। हुआ मैं यार वे भूले आए संसार वे। ये What? Barbie girl. Okay. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic is fantastic. You can dress my hair and dress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, go party. Ah 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 yeah. Come on, Barbie, let's go party. सदी को सुला दिया है अभी, थोड़ा आराम से सोई, उसको दवाई भी दे दी। अभी मैं बनाने जा रही हूँ, मैंने दलिया बनाया था जैसा आपको बताया, तो आज मेरा काम ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़े से जल्दी में ही निपट गया। और मैं बनाने जा रही हूँ समा के चावल की खिचड़ी, हमेशा समा के चावल की खीर बनाती हूँ, इस बार बनाऊँगी खिचड़ी, थोड़ा आलू डाल के हरी मिर्च डाल के आपको बताऊँगी कैसे बनती है, मतलब दिखाऊँगी। सिर्फ उसमें देसी घी में थोड़ा सा काली मिर्च, हरी मिर्च डालना चाहो तो हरी मिर्च भी, सेंधा नमक के साथ में, और आलू डाल सकते हैं उसमें। और हम लोगों में टमाटर वगैरह नहीं खाया जाता है व्रत में, और बहुत से लोग टमाटर भी डाल सकते हैं। और उसके बाद में चावल डाल के जैसे नॉर्मल हम चावल फ्राई करते हैं कुकर में, एक सीटी दो सीटी लेने के बाद बंद कर दो, इतना टेस्टी समा के चावल की वो बनती है, और बहुत मतलब समा के चावल की खिचड़ी बनती है। और बहुत टाइम से नहीं खाई मैंने, क्योंकि हमेशा जब बोलो तो यही होता है कि खीर बना देती हूँ, खीर बना देती हूँ, और जब खीर बन जाती है तो फिर समा के चावल की खिचड़ी नहीं बनती, कूटू के चावल की खिचड़ी बन जाती है, क्योंकि मैं को अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा आज बहुत दिन हो गया, चलो समा के चावल की खिचड़ी बनाती हूँ। ये देखो ये बन गया है समा के चावल, अभी बज रहा है 4:17, और अभी मैं इसको भोग लगा के अपना ये व्रत का खाना मैंने बना लिया है, इसको दिखा। थोड़ा सा ये ना वो हो गया है, पानी डालूंगी इसमें थोड़ा गर्म, ये गई खिचड़ी इसकी, बहुत टेस्टी बनती है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको और थोड़ा अच्छा करना रहता है, मतलब थोड़ा लिक्विडी टाइप का, ये तो अभी एकदम ड्राई हो गई है, और बहुत अच्छी लगती है, मतलब बिल्कुल वही चावल वाला टेस्ट आता है, लेकिन थोड़ा मीठी मीठी मीठी, मतलब मीठा तो नहीं आता लेकिन चावल में एक अलग सी मिठास है। ये देखो ये है, रायता ले लिया है, और ये थोड़ा सा मैंने लिक्विडी कर ली है, मतलब एकदम ऐसी सॉलिड सॉलिड सी हो गई थी, पानी एकदम ड्राई हो गया था, तो मैंने इसको पूरा थोड़ा सा पानी गर्म पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है, और ये मैं लेके बैठी हूँ। अभी बहुत दिन से नहीं खाई थी तो मैं कहा चलो टेस्ट आ जाएगा, जिसने नहीं खाया है मैं नाम मेंशन कर दूँगी, मुझे इसे इंग्लिश में क्या बोलते, वैसे तो मिलेट बोलते हैं बट मिलेट में भी ये कोई समा के चावल का एक नाम है, मैं मेंशन कर दूँगी, आप बना के देखिएगा, मस्त बनती है सच बता रही हूँ। सिर्फ उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपने देखा 2 मिनट में तैयार हो जाती है। सदी की थोड़ी तबीयत ढीली है ना, तो उसका कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, तो मैंने बनाया था आज मूली रखी हुई थी, ज़्यादा टाइम की वो हो जाती ना, एक दो दिन हो चुका है लगभग, तो खुश्क खुश्क सी एकदम ऐसी सुकड़ी सी हो जाती है, तो वैसे भी मैंने सोचा मुझे खाना नहीं है, और ये बोल भी रहे थे कि मूली रखी है तो मूली की सब्जी वब्जी क्या बनाऊँ, मूली पराठा बना दिया था, तो सदी ने मुश्किल से 4-5 गस्से खाए होंगे। थोड़ा सा मेरे पास खिचड़ी रखी थी, फिर उसने खिचड़ी मतलब दलिया बनाया था जो सुबह, वो खा लिया था, तो अभी उसका मूड एकदम ऐसा हो रहा है, नाक वाक बह रही है, और बहुत ठंड लगती है ना जब बहुत बार 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 उसको लगता है वॉशरूम जाना है, सु, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ आज, वैसे तो जनरली नहीं पहन के सोती है, पर आज उसे अच्छे से रात में कवर करके डायपर वाइपर बना के सुला दूँगी, क्योंकि ठंड लग के बढ़ जाए दिक्कत हो तो और ज़्यादा आफत हो जाएगी। और मैंने जैसे बताया था मैं समा का चावल की खिचड़ी खा ली थी, तो अभी तो मैंने कुछ नहीं खाया है, खाना मेरा हो चुका है, हम लोग थोड़ी सी पिक्चर देखने बैठ गए थे, बट काम करते करते बज गया है अभी 10:15 हो गया है।
कपड़े भी धोए थे थोड़े से ना, कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे गीले और गंदे गंदे से। जैकेट थी जो थी स्वदी की, वो भी मैंने सब धो दी है क्योंकि आज तो गई नहीं, तो आज सोचा मैंने धो देती हूँ। और ये वाली अभी तक इधर सुबह से ना धूप आती बहुत तेज़ वाली, मैं जो भी कपड़े होते हैं इस पर सुखा देती हूँ, कई बार रख देती हूँ सामने ताकि सुबह की धूप पड़े तो थोड़ा सा कड़क हो जाए एकदम। वैसे भी धूप नहीं पड़ती है ना तो एक नमी सी बनी रहती है, हालांकि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सूख तो जल्दी जाते हैं, बट फिर भी धूप लगाना मुझे पता नहीं क्यों अलट पलट के ये भी जैसे बेडशीट रखा है, अब जैसे सुबह धूप निकलेगी यहाँ पे तो आती है, डोर तक तो आता है, सामने से ही सनराइज़ होता है तो धूप बहुत अच्छे से आती है, लेकिन फिर भी मैं उसे अलट पलट के उल्टा सीधा करके सही कर देती हूँ। तो अभी टाइम हो गया भगवान जी को सुनाने का, मैं भगवान जी सुला के अंदर जा रही हूँ, मैं थोड़ा थक गए थे आज और वो जा चुके हैं अंदर लेटने, स्वदी भी जा चुकी है उसको भी सुलाना है। और मैं आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मैं मिलूंगी कल नए ब्लॉग के साथ, टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्वदी इज वर्ल्ड।